शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ, जब आजादी की बात होती है तो याद करता है मन बरबस उन शहीदों को जो बॉर्डर पर, सरहद पर हमारी हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं। लेकिन आज हम पहुंचे हैं सीआरपीएफ बटालियन के 60 कैंप में और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कैसे झारखंड में जो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी उसके खात्मे के लिए जो झारखंड बढ़ रहा है, बहुत हद तक यहाँ नक्सलवाद काबू में आया है और इसका श्रेय सीआरपीएफ बटालियन को जाता है। जिस तरह से झारखंड से नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, ये जवान भी नक्सलियों से लोहा लेते हुए जंगलों में बिहड़ों में जाते हैं और कई बार आईडी विस्फोट होता है, कई बार नक्सलियों से मुठभेड़ होती है और अपनी जान हथेली में रखकर ये हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, राज्य की रक्षा करते हैं। तो इन्हीं जवानों के बीच आज हम पहुंचे हैं और आज आपको दिखाएंगे जब ये जंगलों में जाते हैं, बिहड़ों में जाते हैं और जब लैंड माइंस वहाँ पर बिछाया गया होता है इनके लिए दुश्मनों के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा, तो कैसे उसकी पहचान होती है और कैसे पहचान के बाद उसे विस्फोट कराया जाता है, किस तरह जान जोखिम में डालकर ये हमारी हिफाजत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं जवान कैसे नक्सलियों से लोहा लेते हैं झारखंड में। तो देखिए, ये सीआरपीएफ के जवान 16 बटालियन के और अब हम दिखाएंगे कि कैसे जंगलों के बीच में ये पहचान करते हैं कि कहाँ पर लैंड माइंस बिछा है, कहाँ पर नक्सलियों की साजिश है और उसे वो लोग ध्वस्त करते हैं। तो देखिए, हम जवानों के बीच में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जंगलों में, बिहड़ों में ये कैसे विस्फोटक की पहचान करते हैं जो नक्सली बिछाते हैं। और हमारे साथ एक जवान भी है, आपका नाम क्या हुआ? मैं सब इंस्पेक्टर जीडी परविंदर। परविंदर जी, ये कैसे आप लोग डिटेक्ट करते हैं बिहड़ों में? देखिए, सिफर डॉग भी मुझे दिख रहा है, ये किस तरह डिटेक्ट होता है कि कहीं पर आईडी है या फिर कहीं बम प्लांट किया गया है? मैम, सबसे पहले तो हमारे पास एक स्नाइपर डॉग रहता है, उसके पीछे जस्ट हमारा बीडीडीएस टीम का एक डीएसएमडी लेके चलता है, वो रास्ते को सैनिटाइज करते हुए चलता है, तो इससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि आईडी है या नहीं। और जब आईडी मिल जाता है तो प्रिकॉशन क्या रहते हैं और कैसे डिफ्यूज करने की पूरे प्रोसीजर होती है? आईडी जब मिल जाता है तो हमारे पास बीडीडीएस है, जो एक्सपर्ट टीम होती है वो उसको डिफ्यूज करने का काम करती है, और उसको जब डिफ्यूज किया जाता है तो उस दौरान हम सभी कॉशंस का यूज करते हैं और अभी आप देखेंगे इसको। और देखिए, ये आपको हम डेमो पूरा दिखा रहे हैं कि किस तरह से आईडी को डिटेक्ट कर किया जाता है और साथ में जो और जवान हैं वो चौकन्ने रहते हैं कि अगल बगल से कहीं कोई हमला ना हो जाए, कोई नक्सली ना छुपा हो या दुश्मन ना छुपा हो। और देखिए किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाता है, देखिए किस तरह साइन होता है, कैसे एक दूसरे को अलर्ट किया जाता है, वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। कभी लगता है ऐसा कि बड़ा जोखिम भरा ये काम है और कभी भी कहीं पर भी पैर आपका लग गया और वो ब्लास्ट हो जाए, विस्फोट हो जाए, कितना प्रिकॉशन लेते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले तो नीचे देख के हैं, जब भी हम रास्ते से जा रहे होते हैं, कोई भी ऐसी अनजान चीज होती है जिसको हमें लगता है कि डाउट है, उसको हम डीएसएमडी से चेक करवाते हैं, या फिर कोई भी अनजान वस्तु दिखाई देती है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ या पैर मारना, लात मारना कुछ भी नहीं करते हैं ऐसा। और देखिए, शायद सिफर डॉग ने कुछ डिटेक्ट किया है, ऐसे ही है? यस, स्निपर डॉग ने कुछ डिटेक्ट किया है, उसके लिए हमारे जो डीएसएमडी लिए हुए बीडीडीएस टीम के मेंबर हैं वो अपना काम कर रहे हैं अभी। तो देखिए, हम लोगों को साइड होने का इशारा भी मिल रहा है और किस तरह पोजीशन ले लिया है जवानों ने, वो आपको दिखा रहे होंगे कैमरामैन की किस तरह पोजीशन इन्होंने लिया है, कैसे डॉग ने डिटेक्ट किया है कि वहाँ पर कुछ विस्फोटक हैं और उसे अब डिफ्यूज़ किया जाएगा, उसे ढूंढा जाएगा और उस दौरान पूरी प्रिकॉशन ली जाएगी कहीं से हमला ना हो, इसके लिए जवान भी मुस्तैदी से दोनों तरफ तैनात हैं और बहुत ही गहनता से जांच होती है, बहुत ही मुश्किल भरा और जोखिम भरा ये काम है कि आपका एक गलत मूव जिंदगियां खत्म कर सकता है। और देखिए किस तरह उसे ढूंढा जा रहा है, ये क्या प्रोसीजर हो रहा है, कैसे ढूंढ रहे हैं आप आईडी? अभी हमारे डीएसएमडी लिए हुए जवान को कुछ सस्पेक्ट चीज दिखाई दी है, उसके चारों तरफ एरिया को सर्च किया जा रहा है और अब सर्च किया है तो पता चला है कि सिर्फ एक वायर है, कोई आईडी या बम नहीं है, क्लियर हो जाएगा कि सैनिटाइज्ड है पूरे तरीके से, उसके बाद हम क्यूएटी 60 बटालियन के ट्रूप्स आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए ये कुछ एक संदिग्ध चीज़ मिली, वायर मिला तो ऐसा लगा कि शायद ये एलईडी हो, पर आईडी हो, पर वो निकला नहीं। अब आगे बढ़ रहे हैं ये जवान डॉग के साथ जो शिनाख्त करता है, पहचान करता है अब विस्फोटक की। और देखिए कैसे गांव वाले जो जंगलों में होते हैं या यूं कहें कि जो नक्सलियों के मुखबिर होते हैं उनकी भी साथ साथ में शिनाख्त करनी है। हमारे स्काउट को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया गया है, उसको अपने पास बुला रहे हैं ताकि उससे पूछताछ की जा सके और अगर वो संदिग्ध मिलता है तो उसके अपने साथ लेके जाया जा सके।
देखिए ये पूरा डेमो आप देखकर समझ सकते हैं कि जंगलों में किस तरह सीआरपीएफ कार्रवाई करती है और इसी एक्टिवनेस और इसी अलर्टनेस के साथ काम होता है जंगलों में। और उसके बाद ही नक्सलवाद झारखंड से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है इनकी मुस्तैदी से और इनके चौकन्नेपन से। देखिए अगर कोई संदिग्ध नज़र आता है जंगलों में, क्योंकि कई बार नक्सली अपने मुखबिर छोड़ कर रखते हैं पुलिस के मूवमेंट जानने के लिए, बटालियन के मूवमेंट जानने के लिए, और उस दौरान उन पर भी नज़र रखनी है। और देखिए किस तरह एक डिटेक्ट होता है संदिग्ध और उसे अपने हिरासत में लेते हैं सीआरपीएफ की ये बटालियन, और आगे फिर कहां पर बम प्लांट किया गया है उसकी तहकीकात की जाएगी। तो इस तरह के कई मुखबिर होते होंगे, ये बड़ा टफ होता है, कौन गांव वाला है, कौन नक्सलियों का मुखबिर है, कैसे पहचानते हैं आप? पहचानने में तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सभी गांववासी आम लोगों की तरह नज़र आते हैं, पर जब भी हम अपने एरिया डोमिनेशन डिमाइनिंग जैसे ऑप्स के लिए निकलते हैं तो उस दौरान हमें जो भी व्यक्ति मिलता है रास्ते में उससे हम ज़रूर पूछताछ करते हैं, या फिर उसका आधार कार्ड का फ़ोटो या उससे आधार कार्ड देख के उसी के बाद उसको हम आगे जाने के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए ये पूरा मूवमेंट इस बटालियन का हम दिखा रहे हैं, सीआरपीएफ का दिखा रहे हैं, किस तरह इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह के बिहड़ों में, जंगलों में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, और दुश्मनों से लोहा लेते हुए कैसे उसकी पहचान हो। और देखिए शायद आशंका है कि यहाँ बम हो और उसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि एक गलत स्टेप भी बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो इस तरह जब आप खुदाई करते हैं ये शक होता है कि यहाँ पर विस्फोटक हैं, तो क्या सावधानी बरतते हैं वहाँ पर जब खुदाई करते हैं? जब हम खुदाई करते हैं, जब कुछ लगता है कि सस्पेक्ट गड़ा हुआ है नीचे ज़मीन के, उसको हुक या किसी गैती से थोड़ा ऊपरी सतह को ही हटाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको डीप से खुदाई करते हैं। तो उसके बाद हमें पता चलता है अगर आईडी नहीं है तो वहाँ पर हम मार्क कर देते हैं, देखिए यहाँ पर मार्क कर दिया गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर आईडी नहीं था और उसे मार्क किया गया है और अब डॉग लीड कर रहा है सेपर डॉग, और ये बताएगा कि कहाँ पर विस्फोटक हैं और जो जवानों के लिए बिछाए गए हैं और उसे फिर डिफ्यूज़ किया जाएगा। ये जो आवाज़ है ये क्या विस्फोटक डिटेक्ट होने की है? जब भी कोई मेटल या विस्फोटक ज़मीन के नीचे गड़ा होता है तो डीएसएमडी ऐसे ही आवाज़ करके इंडिकेट करती है कि यहाँ ज़मीन में कुछ मेटल या आईडी दबी हुई है। तो देखिए एक सस्पेक्ट थोड़ा सा लगा इन जवानों को, थोड़ा शक हुआ है और वहाँ पर खुदाई की जा रही है ताकि विस्फोटक हो। कच्चे रास्तों पर ही ऐसे विस्फोटक बिछाए जाते हैं और जंगलों और बीहड़ों में इन्हीं पगडंडियों से आपको गुजरना होता है। वहाँ पर विस्फोटक मिला क्या? जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मेटल का कोई छोटा टुकड़ा था जिसकी वजह से डीएसएमडी आवाज़ कर रही थी, तो उसको डिटेक्ट कर लिया बीडीडी टीम के द्वारा और अब आगे मूव कर रहे हैं। क्या एक कदम भी अगर आपका माइंस में पड़ता है या विस्फोटक ज़मीन के नीचे है, चाहे वो केन बम हो या आईडी बम हो, तो वो बड़ा विस्फोट की वजह बन जाती है? हाँ मैम, ये बहुत बड़ा विस्फोट की वजह बनती है और उसके साथ कैजुअल्टी होने के चांसेस भी रहते हैं, और कई बार अपंग या ऐसे कुछ कैजुअल्टी नहीं होती है तो इस टाइप की घटनाएँ घट जाती हैं। देखिए एक जगह फिर बीप कर रहा है ये जो मशीन है और यहाँ पर कुछ सस्पेक्ट लग रहा है, अब वहाँ पर तलाश किया जा रहा है कि कहाँ पर बम रखा गया है नक्सलियों के द्वारा या दुश्मनों के द्वारा छिपाकर, और उसे किस तरह से ढूंढा जाता है और उसके बाद ये ब्लास्ट कराया जाता है। बहुत ही ये ख़तरनाक है, होता है ये पूरा प्रोसीजर, क्योंकि जंगलों में जब चलते हैं उबड़ खाबड़ रस्तों पर तो बहुत बार आप ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कहाँ प्लांट किया गया है बम। बहुत अच्छे से इसे कवर कर दिया जाता होगा नक्सलियों की तरफ से, तो ये भी तो पहचानना मुश्किल होता है कि कहाँ पर है ये बम, किस ज़मीन पर। देखिए शायद मिल गया है क्या? देखिए जैसे कि बीडीडी मेंबर के द्वारा एक आईडी को ढूंढ लिया है और उसने इशारा किया है सभी ट्रूप्स को पीछे, तो सब ने टैक्टिकल मूवमेंट और प्राकृतिक आड़ों का यूज़ करते हुए अपनी अपनी जगह ले ली है और अब आगे आईडी को डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए तो आखिरकार जो आईडी है वो डिटेक्ट कर लिया गया है और जवान अब कैसे से डिफ्यूज़ करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को हमें भी ध्यान रखना है, तो हम भी अब साइड हो जाते हैं और अब बम को डिफ्यूज़ किया जाएगा जो दुश्मनों के द्वारा प्लांट किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें दूरी बनानी होगी ताकि इससे कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और ये देखिए कि हम कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब जवान ऐसे जंगलों में होते हैं या सरहदों में होते हैं तो वो जान हथेली पे किस तरह लेकर ऐसे
दुश्मनों से लोहा लेते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरह से जान हथेली पर लेकर ये निकलते हैं, सर पर कफन बांध कर निकलते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं ताकि आप चैन की नींद सोएं। ये विसल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये विसल इंडिकेट कर रहा है कि अभी आईडी को डिफ्यूज किया जाएगा, यानी कि फोड़ा जाएगा आईडी को। तो अभी हमारे बीडीडीएस टीम के मेंबर इस आईडी को डिफ्यूज करेंगे और सभी अलर्ट हैं और सबने अपनी पोजीशन ले ली है, क्योंकि सबको पता है कि अभी आईडी डिफ्यूज होने वाली है, क्योंकि बीडीडी मेंबर ने पता किया है। नहीं लगेगा तो ये आवाज आपने सुनी, आईडी विस्फोट करा दिया गया, निष्क्रिय करा दिया गया है, जिससे एक बड़ी घटना को नक्सली अंजाम दे सकते थे, उनके मंसूबे को इसी तरह नाकाम किया जाता है और इन्हीं के बलबूते, इन्हीं के भरोसे ही झारखंड से नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है। तो ये आईडी विस्फोट हो गया, अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या होता है? सर्च अभियान चलाते हैं पूरे इलाकों में? अभी जैसे आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, उसके बाद हमारे क्यूएटी 60 कमांडर ट्रूप्स को आगे बढ़ने के लिए इंडिकेट करेंगे अभी, और उसके बाद सारा इलाका सर्च किया जा रहा है। देखिए मैम, चारों साइड सर्च किया जा रहा है, उसके बाद हमारे ट्रूप्स ऑप्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जो गाड़ियां भी दी जाती हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं या जो एंटी लैंड माइंस व्हीकल्स होते हैं, उनसे कितना सपोर्ट मिल पाता है? मैम, अगर हम रोड से जा रहे हैं तो उन व्हीकल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, पर जैसे कि हम झारखंड में पोस्टेड हैं, यहाँ पे हमें जंगल में ही ऑप्स करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे उन वाहन को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम कच्चे रस्तों से या जंगल से गुजरते हैं। तो हम बीडीडी टीम डॉग और इन्हीं सब और अलर्टनेस के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितने चौकन्ना रहते हैं और कितने अलर्ट रहते हैं हमारे जवान, ताकि हमें सुरक्षा मिले। और चूँकि झारखंड जंगलों से घिरा हुआ है और बिहार जंगल भी है यहाँ, जिस वजह से नक्सलियों को छिपने का एक अच्छा आसान ठिकाना भी मिल जाता है, और उन जंगलों से नक्सलियों को सीआरपीएफ की बदौलत दूर भगाया जा रहा है। ऐसे बिहारों में कई जगहों पर सीआरपीएफ के कैंप बन गए हैं, जहाँ पर वो बेहतर पुलिसिंग और एक सीआरपीएफ ये भी कोशिश करता है कि जो गांव वाले हैं उनके साथ कुछ वेलफेयर काम भी होते हैं, उन्हें अपने फेवर में लेने की भी कोशिश होती है, ताकि गांव वाले नक्सलियों के बहकावे में ना हो। हाँ, गांव वालों को अच्छे रास्ते पे लेके आने के लिए, आम जिंदगी में लेके आने के लिए कमांडेंट महोदय के द्वारा टाइम टाइम पर सिविक एक्शन प्रोग्राम किए जाते हैं, उनमें उनके लिए कुछ कपड़े, जूता और बाकी जो दैनिक जीवन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो वितरित की जाती हैं कमांडेंट महोदय के द्वारा।